हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थ एंड विकास 24 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जल्दी वजन बढ़ाने के 6 टिप्स के बारे में। जो आपका वजन बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, वीक हो रहा है, उसको जल्दी बढ़ाने के लिए 6 टिप्स के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। अगर आपने 6 टिप्स फॉलो कर ली तो आपका 110% वजन बढ़ जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही मैं वीडियो हेल्थ से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, जान लेते हैं जल्दी वजन बढ़ाने के 6 टिप्स में नंबर 1 कौन सा है। तो आपको फ्रेंड्स करना है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाना है अपने फूड्स में। तो फ्रेंड्स, हमें अपने फूड जो आप भी खाते हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने की कोशिश करना। कार्बोहाइड्रेट में किस किस मिल जाता है, जैसे कि आपको रोटी हो गई, चावल हो गया, केला हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। और भी बहुत सारे रिच फूड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं, उन्हें भी आप गूगल पर सर्च करके उन्हें भी खा सकते हो। तो जिस मतलब कहने का मतलब यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो फ्रेंड्स आपकी बॉडी बहुत जल्दी वजन को गेन करना स्टार्ट कर देगी। फ्रेंड्स, तो ये तो एक टिप्स हो गया पहले नंबर का, और दूसरे नंबर का एक टिप्स हो गया। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं एक रेसिपी भी बताऊंगा आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लास्ट में मैं 5वां या 6ठा नंबर पे आपको एक रेसिपी बताऊंगा, तो वो जरूर देखिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वजन बढ़ाने के लिए। तो अब बात करते हैं दूसरे के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक दूसरा बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है वजन ना बढ़ने का फ्रेंड्स, वो है भूख नहीं लगना। कि आपको भूख नहीं लगती होगी तो उस टाइम पर भी आपका ये वजन है बिल्कुल लो चला जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो आपको भूख नहीं लगने की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी फ्रेंड्स। तो ऐसे में क्या करिएगा, जब आपकी भूख तेज होगी तो आप उस टाइम पर खाना भी ज़्यादा खाएंगे, तो खाना ज़्यादा खाएंगे तो वजन भी अच्छे से गेन होगा। तो उसके लिए बता दूं आपको, सुबह सुबह को आपको आंवला का जूस लेना है फ्रेंड्स। आंवला तो होता ही, सबके पास होता है, सबके पास मिल जाएगा बाजार में। तो आंवला का एक जूस लीजिएगा, एक गिलास सुबह खाली पेट या फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा, या फिर सुबह को जूस का उसको ले लीजिएगा, या फिर कच्चा आंवला भी आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे क्या आपको जो भूख होगी ना बहुत अच्छे से खुल के लगेगी। ऐसे में क्या होता है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो विटामिन सी की वजह से आपकी शरीर में जितनी विटामिन सी ज़्यादा होगी तो भूख भी आपको उतनी ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ऐसी कंडीशन में आप आंवला का जूस लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, जिससे आपकी बॉडी ग्रोथ बहुत जल्दी करने लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप डेली आंवला का जूस स्टार्ट कर दीजिएगा अपने रूटीन में, जिससे कि आपकी भूख लगेगी, और आप भूख जैसे ही ज़्यादा लगेगी आप खाना ज़्यादा खाएंगे और आपके अंदर ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पहुँचेगा, जिससे कि आपके जल्दी से वेट गेन होगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं तीसरे के बारे में। तो वो टिप्स है मेरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फ्रेंड्स, आपने एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड शायद पहली बार सुना हो, या फिर नया नया लग रहा हो आपको सुनने में, सबने कहा होगा डाइजेशन ऑफ फूड तो सब बता रहे होंगे, लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का भी फ्रेंड्स बहुत बड़ा मतलब एक रूल है, मतलब एक हिसाब से बोल सकते हैं बहुत बड़ा योगदान है एब्जॉर्प्शन रूल का। मतलब एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स सोखना, किसी चीज़ को एब्जॉर्व करना। तो फ्रेंड्स, अगर आपका खाना बॉडी में एब्जॉर्व हो रहा है तो आपका वज़न बढ़ेगा फ्रेंड्स। ऐसे क्या आप खाते खाते निकल जाइएगा, खाते खाते आप बहुत सारा खाना खा रहे हैं, उसके बाद भी क्या हो रहा है, आपका खाना एब्जॉर्व होने की बजाय डायरेक्ट मतलब स्टूल के थ्रू पास आउट हो रहा है, मतलब वो एब्जॉर्व नहीं हो रहा है शरीर में। जब एब्जॉर्व नहीं होगी कोई चीज़, किसी चीज़ को कोई सोखेगा नहीं, तो फ्रेंड्स कैसे मतलब शरीर का वेट बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, एब्जॉर्व होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है फ्रेंड डाइजेशन, उसके लिए ज़रूरी है डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए। फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, उसके लिए जो एब्जॉर्प्शन तभी ठीक होगा जब आपका डाइजेशन ठीक होगा। तो फ्रेंड, डाइजेशन ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने खाने में फाइबर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। फाइबर वाली चीज़ें क्या होंगी, जैसे आपको चना हो गया फ्रेंड्स, जो चना हो गया उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, पत्ता गोभी हो गई, तो ये चीज़ें फ्रेंड जो ज़्यादा से ज़्यादा जिन चीज़ों में फाइबर होता है उन चीज़ों को आप खाइएगा, जिससे कि आपकी जो पचाने की शक्ति होगी ना, डाइजेशन शक्ति होगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेस्ट होगा तो उस टाइम पर फ्रेंड्स क्या होगा, आपका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो भी अच्छे से हो जाएगा। तो फ्रेंड, एब्जॉर्प्शन होने की वजह से आपकी बॉडी जल्दी से वेट गेन करने लगेगी। तो ये भी बहुत बड़ा अच्छा टिप्स है, तो इसको आप फॉलो करिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड, विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। अब बात करते हैं चौथे टिप्स के बारे में, तो वो है फ्रेंड टेक मोर मील्स। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रेंड्स एक बार में ही खाना खा लें, मतलब आपको भूख लगी तो एक बार में खाना खा लिया, फिर शाम तक आप कुछ भी ना खाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। आपको करना क्या है, खाना आपको दिन में 3 से 4 बार या फिर 4 से 5 बार खाना है, फिर धीरे धीरे खाना है, कम कम खाना है फ्रेंड्स। उस टाइम पर क्या होगा, जो मैं कह रहा हूँ एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगा बॉडी में, धीरे धीरे पचेगा तो धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन भी होगा फ्रेंड्स। ऐसे में क्या होता है, बेस्ट हो जाता है एब्जॉर्प्शन।
तो फ्रेंड्स अगर आप एक बार में ज़्यादा खाना खाएंगे तो उससे दिक्कत क्या आएगी आपको कि आपने एक बार में फुल खाना खा लिया, तो फ्रेंड्स बॉडी क्या करती है एक बार में ज़्यादा खाना होने की वजह से पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, फिर आपका वेस्ट के थ्रू मतलब स्टूल के थ्रू सब पास आउट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप खाना भी बहुत खा रहे हैं फिर भी आप पतले रह जा रहे हैं, तो ये भी एक मेन रीज़न है, आप ज़्यादा खाना नहीं खाइएगा। खाना खाइएगा जो आप एक बार में खा रहे हैं वो आप तीन बार में खाइएगा, लेकिन कम कम देर पर, जैसे कि दो दो तीन तीन घंटे का गैप करके खाइएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और फ्रेंड जब अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो अच्छे से खाने का एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो फ्रेंड समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप खाने को दो से तीन बार में खाइएगा, चार बार में खाइएगा, पाँच बार में खाइएगा, लेकिन आप एक से दो बार में मतलब एक बार में ही खाना मत खाइएगा कि आपने सुबह खा लिया फिर शाम को 9-10 बजे तक कुछ खा ही नहीं रहे। तो उस टाइम पर क्या होगा, आपका जो जितना भी खाना होगा टोटल पास आउट हो जाएगा स्टूल की तरफ, बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। तो इस वजह से आप खाना खा भी रहे हैं और मोटे भी नहीं होंगे फ्रेंड्स, तो इसलिए आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पांचवें के रूल के बारे में। फ्रेंड्स पांचवा टिप्स कौन सा है, तो फ्रेंड्स पांचवा टिप्स में मैं अभी रेसिपी बताऊँगा आपको करना क्या है। एक गिलास आपको दूध लेना है, उसमें डालना है दो बनाना, उसमें दो बनाना डालना है और थोड़ा सा डालना है मक्खन। फ्रेंड्स मक्खन आप खाते हैं, एक गिलास दूध में दो बनाना मतलब दो केले लेना है, उसके बाद थोड़ा सा बटर डालना है, मक्खन डालना है, मक्खन डालने के बाद उसे अच्छे से मतलब मिला लीजिएगा घोट कर, फिर आप उसे सेक करिएगा सुबह खाना खाने के बाद और शाम को सोते टाइम। फ्रेंड जो आपने जूस लिया है आंवला का उसके कम से कम 2-3 घंटे बाद ही लेना है, पहले नहीं लेना, उसके जस्ट बाद नहीं लेना। तो आप उस मतलब आंवला जूस के बाद कम से कम 2-2.5 घंटे के बाद उसे आप ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो आपकी जो बॉडी में बहुत ज़्यादा जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए फ्रेंड, जितने भी आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए मल्टी विटामिन मिनरल वगैरह, वो काफ़ी आपको मिल जाएंगे। केले मैग्नीशियम फॉर और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, दूध में आप जानते हैं बहुत सारी मात्राएँ होती हैं हर चीज़ की, मक्खन में आपको सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा मिल जाता है फ्रेंड, इस वजह से आपकी जो बॉडी है बहुत जल्दी से ग्रो करने लगी। तो फ्रेंड्स ये वाली रेसिपी ही थी जो मैं आपको बताने को था, ये आप डेली यूज़ करिएगा सुबह शाम एक एक गिलास, जिससे आपका वजन फ्रेंड्स 21 दिनों में नेचुरल तरीके से इतने अच्छे से ग्रो होगा कि आप जानेंगे। एक तो वजन होता है फ्रेंड्स एकदम मोटे हुए, टम्मी आपका पेट निकलने लगेगा बाहर, तो वो वजन नहीं है फ्रेंड्स, तो आप ये वजन होगा एकदम टाइट वाला, आपको बॉडी भी स्वस्थ रहेगी और टाइट भी रहेंगे फ्रेंड्स पूरी तरह से, तो ये बिल्कुल फेक वजन नहीं है, रियल वजन होगा आपकी बॉडी का। फ्रेंड्स अब बात करते हैं छठे टिप्स के बारे में, तो डू नॉट ईट फास्ट फूड, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाने फ्रेंड्स। मैं हमेशा मना करता हूँ कि जितने भी फास्ट फूड होते वो आप मत खाइएगा, क्योंकि फास्ट फूड आपका फ्रेंड्स वजन तो बढ़ा देंगे, मैं मानता हूँ वजन बढ़ जाता है फास्ट फूड खाने से, आप जो चाउमिन मोमोज वगैरह बर्गर वगैरह खाओगे आपका वजन बहुत जल्दी बढ़ेगा, लेकिन उसमें क्या होगा बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो जाते हैं साथ में, तो उसकी वजह से आपका पेट वगैरह निकलने लगेगा बहुत ज़्यादा, मतलब जो बैड फैट होता है वो सब बढ़ने लगता है, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और आपको भूख लगने की भी कम समस्या हो जाएगी फ्रेंड। जब आप ज़्यादा ये मतलब जो चाइनीज डिशेज खाएंगे ज़्यादा फास्ट फूड खाएंगे तो उस टाइम पर आपका वेट भी बढ़ तो जाएगा लेकिन बैड फैट होगा वो अच्छा फैट नहीं होगा फ्रेंड्स, आपकी बॉडी के लिए और लीवर के लिए किडनी के लिए ज़्यादा बेस्ट नहीं रहेगा फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों से आपका फैट बढ़ाना है, मतलब थोड़ा टाइम तो लेगा लेकिन बढ़ेंगी बहुत अच्छे से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा रिव्यू था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स ये रेसिपी है आप अच्छे से मतलब ये मतलब जो टिप्स हैं आप इन्हें अच्छे से फॉलो करें, फिर देखना अपना वजन 15-20 दिन बाद कितना अंतर आ जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स, और यहाँ तक देखिए वीडियो तो दिल से धन्यवाद, और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।